किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया एक किताब है और जो ट्रैवल नहीं करते वो केवल एक पन्ना ही पढ़ते हैं। जी हाँ, हमें जितनी सीख किताबों के ढेर से नहीं मिलती उतना हम नई जगहों को घूमकर सीख सकते हैं। मगर हम अक्सर सोचते हैं कि अपने इस बिजी लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकालकर कहीं सैर करने निकल जाएं। मगर सोचते सोचते वक्त यूं निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। फिर भी मैं वक्त की भागा दौड़ी में से थोड़ा सा वक्त निकालकर दुनिया की सैर पर निकल जाता हूं। कुदरत ने इस प्रकृति को ऐसी खूबसूरती से नवाजा है कि इसे जितना भी जानने और समझने की कोशिश की जाए वो कम ही पड़ता है। एक शायर थे जिन्होंने सैर करने के ऊपर एक बहुत ही सुंदर शेर कहा था। सैर कर दुनिया के गाफिल कि जिंदगानी फिर कहाँ, अगर यूं जिंदगी रह भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ। मगर मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं दुनिया की सैर करने तो निकल गया मगर अपने ही घर को भूल गया। दुनिया को जानने की उत्सुकता में आखिर मैं अपने बिहार को ही जानना क्यों भूल गया? आखिर मैं कैसे भूल गया अपने बिहार की प्राचीनता को, यहाँ के इतिहास को और अपने बिहार के प्राकृतिक सौंदर्य को? बिहार और खूबसूरती सुन के थोड़ा अजीब लगा ना? शायद यही फीलिंग बहुत लोगों को भी यहाँ आती होगी, क्योंकि लोगों को लगता है बिहार और खूबसूरती सिक्के के उस दो पहलू की तरह हैं जो कभी एक हो ही नहीं सकते। क्योंकि उन्हें लगता है बिहार तो खूबसूरत हो ही नहीं सकता, कि उन्हें बिहार के बारे में बस वही पता है जो उन्हें मीडिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में दिखाया जाता है। बिहार वो प्राचीन धरती है जहाँ पर कई ऐतिहासिक किले, मकबरे और इमारतें हुआ करती थी जो कहीं ना कहीं आज भी अपने इतिहास को उजागर कर रही। इसलिए मैंने एक शुरुआत की है इन धरोहरों के बारे में बात करने की, इसके पीछे की कहानी को जानने की और इसके पीछे के संघर्षपूर्ण इतिहास के बारे में बात करने की और आपको बिहार के बारे में बताने की। हमारे बिहार में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो हमारे सामने तो हैं मगर हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। इस सीरीज में हम आपको प्राचीन बिहार के इतिहास से लेकर आधुनिक बिहार की बदलती तस्वीर को भी आप सभी को दिखाने वाले हैं। हमें बस जरूरत है आपके प्यार की, आपके सहयोग की और आपके सपोर्ट की। आज मिश्रा जी ट्रैवल ब्लॉग्स के इस चैनल पर एक नया आगाज होने जा रहा है और मैं अपने इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करने वाला हूँ अपने खूबसूरत जिले रोहतास से। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर रोहतास से ही क्यों, रोहतास में ऐसा क्या है? अगर मैं सच बताऊं, तो रोहतास बिहार का एक ऐसा जिला है जिसे प्रकृति ने ऐसी खूबसूरती के साथ नवाजा है कि मॉनसून के सीजन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं होता और यहाँ पर लोग दूर दूर से इन्हीं वाटरफॉल्स को और प्रकृति के इन्हीं सुंदर नज़ारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। बिहार का रोहतास जिला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मॉनसून में 200 से भी ज़्यादा वाटरफॉल अलग अलग दिशाओं में गिरते हुए नजर आएंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत प्रकृति के इसी सुंदरता के साथ करते हैं और आपसे भी हम बस यही उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और लोगों को
बड़े गर्व के साथ बताएंगे कि हमारा बिहार कुछ ऐसा है।